मैं सुभाष बेनीवाल साबरम कृषि जैविक कृषि फार्म गांव की वरणी जिला सिरसा से। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो नरमे की फसल के उखेड़े की रोकथाम के लिए जैविक उत्पाद जो तैयार कर रहा हूँ उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो नरमे में दो तरह के रोग सबसे ज़्यादा आते हैं, एक उखेड़े का और दूसरा सफ़ेद मक्खी का, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। आज जो नरमे की उखेड़ा का जो रोग के बारे में बात कर रहे हैं वो TSV, जिसको TSV के नाम से वायरस को नाम दिया गया है, तंबाकू का वायरस होता है, उसके कारण से नरमे में उखेड़ा ज़्यादा आता है। उसकी रोकथाम के लिए वैसे तो जैविक खेती के जो जानकार हैं उन्होंने भिन्न भिन्न उत्पाद बनाए इसको रोकथाम के लिए, लेकिन आपको बता दें कि जो 3-4 तरह के उत्पाद हैं जो जिसके प्रयोग से आप इसको उखेड़े के कंट्रोल कर सकते हो, सबसे ज़्यादा तो जो कृष्ण चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया वेस्ट डिकम्पोजर, उसके अंदर सभी तरह के ट्राइकोडर्मा पैसेलोमाइसिन KMB PSB बैक्टीरिया होते हैं, जो अगर आप 1000 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ अगर देते हो तो वो बैक्टीरिया जो उखेड़े के वायरस हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया तरह से कंट्रोल होता है। दूसरा जो अमित मेहला जी ने बताया भी, आप फ्लडी पानी के साथ प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो फिटकरी अगर पानी में देते हो, जो 2 बार से ज़्यादा नहीं देनी अगर देते हो, तो उससे भी ये वायरस कंट्रोल में होता है। तीसरा जो ये दो तो नीचे ज़मीन में देने वाले हो गए, और तीसरा हो गया जो तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी इसका निष्कर्ष निकाला था, जो छाछ तंबायु छाछ है उसका फसल के ऊपर स्प्रे करने से भी ये वायरस कंट्रोल होता है। और चौथा जो मैंने ये उत्पाद जो बनाया है ये राजू राम जी राठौड़ ने जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया भी, इस उत्पाद से आप नरमे की फसल के उखेड़ा के रोग के रोकथाम कर सकते हो। ये भी स्प्रे करने का, ऊपर से स्प्रे फसल पर स्प्रे करने का उत्पाद है। इस उत्पाद में 1 किलो अदरक जो कुटी हुई, 1 किलो गुड़ और 5 लीटर गौमूत्र है। इस सभी 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो अदरक को मिला के रख देंगे, 10 दिन के लिए रख देंगे। 10 दिन के बाद इसको हम फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह जो वायरस है जो खेड़ा के रोग था जो रोग है उसमें रोकथाम के लिए बहुत कारगर होगा। जो आपको 4 उत्पाद बताएंगे वो उत्पाद जैविक पद्धति है और आशा है कि बहुत अच्छा ये रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।